हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊं कि आप जो ना इजी पैसा का रास्ट अकाउंट कैसे डिलीट करोगे इजी पैसा की ऐप में से। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप सबसे मेरी हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमें सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों यार हमारा चैनल नया है तो यार आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। और आप सब ने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि यार आपको वीडियो समझ आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यार आपने किस तरह इजी पैसा की ऐप में से इजी पैसा का रास्त अकाउंट कैसे डिलीट करना है। तो मैं अब यहाँ इजी पैसा की ऐप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ वेट कर लेते हैं और दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये जो इजी पैसा का रास्त अकाउंट होता है, ठीक है, ये जो ना अकाउंट नहीं होता, ये आपके अकाउंट से लिंक हुआ होता है। तो ये आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि यार आपका जो अकाउंट है वो जो ना उससे जो ना वो होता है क्या नाम है अपना, जैसे अलग से आपका अकाउंट होता है, इस तरह नहीं होता। ये आपके अकाउंट से लिंक है तो आपको सिर्फ इसको डिलीट मतलब डी लिंक करोगे तो यार ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस पे आपको फिर कोई भी पैसे भेजेगा तो नहीं आएगा। वैसे आपको अगर कोई किसी JSKS के रास्त अकाउंट से अगर कोई आपको इजी पैसा के रास्त अकाउंट में पैसे भेजता है तो वो आपके आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो जो बैलेंस है आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो आपका इजी पैसा का जो अकाउंट है, जितने भी पैसे आपके इजी पैसा के अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह नहीं है कि यार आपका जो ना अलग से एक अकाउंट है, नहीं, ये आपके अकाउंट से लिंक है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये रास्त पेमेंट आप देख सकते हो, इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये जो ना डी लिंक को जाएगा तो फिर आपको कोई भी अगर JSKS से हो गया, UPSS से हो गया, पेमेक्स से हो गया, रास्त के ज़रिए पेमेंट भेजेगा तो आपके पास जो है ना वो पेमेंट नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। और आपको बता दूं कि यार ये जो ना रास्त आईडी इसलिए यूज़ हो रही है कि आपको बता दूं कि इससे ये होता है कि यार आपकी जो कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर इजी पैसा की या किसी की उसमें भी प्रॉब्लम हो तो इसमें ये होता है कि आपका जो रास्त जो ना इसमें आपको कोई भी आप मसला आ रहा हो इसकी जो पेमेंट है वो फ़ौरन आपके अकाउंट में आ जाती है रास्त के, ठीक है। रास्त के अकाउंट से ये फ़ायदा अक्सर आपने देखा होगा 24 घंटे वैसे 48 घंटे होते हैं तो पेमेंट आने में लगते हैं, तो इसमें रास्त में ये है कि यार आपके पास फ़ौरन जो ना अमाउंट है वो आ जाएगी। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह इसे जो ना डी लिंक करना है, मतलब डिलीट ही आपको कह देता हूँ कि डिलीट किस तरह आपने करना है। तो यहाँ आप रास्त आईडी मैनेजमेंट देख सकते हो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो रास्त आईडी मैनेजमेंट पे मैंने क्लिक किया है। अब आप यहाँ डी लिंक रास्त आईडी देख सकते हो, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे जो आपका रास्त का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना आपने, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, प्लीज़ कन्फर्म इफ़ यू वोड लाइक डी लिंक योर रास्त आईडी, ठीक है। You want be available to receive money via the RAST, you will have to relink your RAST ID from your EasyPaisa account, ठीक है। अब आपने यहाँ सिंपली कन्फर्म करना, ठीक है। जैसे आप कन्फर्म करोगे तो यार आपका जो RAST अकाउंट है वो डी लिंक हो जाएगा, मतलब डिलीट ही हो जाएगा। तो यहाँ मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो मेरा जो रास्त अकाउंट है वो डिलीट हो गया, ठीक है। आपने इसी तरह जो ना अपने रास्त अकाउंट को डिलीट करना है, बिल्कुल इजी है, आपने देख लिया, कोई कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप है, वो आपने बस मेरी वीडियो देख के आपने फॉलो करना है, ठीक है। और आप फॉलो करते करते आपने जो ना जिस तरीके से मैंने किया इस तरीके से आपने भी करना है, ठीक है। और बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ही सिंपल है रास्त का अकाउंट डिलीट करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ आपको मैंने यही बताना था। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार हमें सपोर्ट करें। दोस्तों अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।